बात करते हैं जो लगातार हम कर रहे हैं, रंगों से जुड़ी हुई, जिंदगी से जुड़ी हुई, कैसे हम रंगों का प्रयोग करके अपने जीवन में जो भी कोई भी अगर नकारात्मकता है या कोई तनाव है या किन्हीं भी चीज़ों के परिणामों में बदलाव है वो हम ला सकते हैं। आज इसी कड़ी में हमारे पास रंग है नीला रंग, ब्लू कलर, शनि का रंग है। और ब्लू डार्क शेड की तरफ जाएं तो ब्लैक, ये ब्लू ब्लैक से मिला जुला जो रंग है इसकी बात आज हम मुख्य रूप से करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, भावनात्मक संबंधों में ब्लू और ब्लैक कलर को यूज़ कहाँ करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए। अगर देखिए आपके संबंधों के अंदर आप कुछ छिपाना चाहते हैं, यानी ऐसी स्थिति है कि आपको लगता है कि ये चीज़ें मेरे साथी को नहीं पता चले, नहीं वो जाने, कुछ चीज़ें आप अपने मन में ही रखना चाहते हैं, तो आप ब्लैक कलर का प्रयोग कर सकते हैं अपने साथी के साथ पहनने वाले को। ब्लैक कलर एक्चुअल में छिपाने का रंग है। ब्लू कलर आपके लिए तब बहुत फायदेमंद है जब आपका रिश्ता एक ऐसी जगह पर है जहां आपको कोई डर नहीं है उस रिश्ते में कोई तनाव आ जाने का। आप बिल्कुल निश्चिंत हैं अपने साथी के प्रति कि आपका साथी कतई आपसे दूर होने वाला नहीं है, आप कोई समस्या नहीं है, बहुत एक स्टेबल रिलेशन अगर आप आपके पास है तो आप ब्लू कलर का उस मायने में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कुछ छिपाने को है, आपको लगता है कि ये चीज़ें मेरे साथी को मेरे बारे में नहीं पता होनी चाहिए, तो आप ब्लैक कलर को मतलब ब्लैक ब्लू में से इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह कि अगर आपकी संबंधों में कहीं अगर ब्लैक कलर बार बार आपको दिखाई देता है, आपके गिफ्ट्स के लेन देन के अंदर, आपके किन्हीं चीज़ों से जुड़े हुए जो आपके बेडरूम के अंदर ब्लैक रंग, अगर आपको ब्लैक और ब्लू बहुत अगर आ रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि आने वाली शिथिलता यानी कि संबंधों के अंदर या तो स्टेबल रिश्ते हैं तो ब्लू बिल्कुल ठीक है कि अब इसमें कुछ बहुत ज़्यादा होना नहीं है, ठीक से चल रहे हैं, ओके, लेकिन धीरे धीरे ये शिथिलता की तरफ जा सकते हैं। तो आपको बहुत समझदारी से ब्लू कलर का उपयोग करना है। स्टेबिलिटी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे कतई भी ज़्यादा नहीं फैलाना है अपने बेडरूम में, अपने संबंधों में, अपने अपने साथी के साथ, क्योंकि ये धीरे धीरे एनर्जी कम कर देता है। संबंधों में उष्णता नहीं रहती, उनके अंदर एक बहुत एक वाइब्रेंट जिसको कहते हैं एनर्जी, जो बहुत प्रेम और स्नेह से सरोवर जो लोग होते हैं वो इस कलर को कम यूज़ करते हैं। दूसरा, अगर आप ब्लू कलर अपने इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं तो इसके मानव ये है कि आपके जो भी लोग कार्य कर रहे हैं वहाँ पर बहुत डेडिकेटेडली, अगर नहीं भी है लापरवाह हैं तो भी वो धीरे धीरे एक ट्रेंड आपका सेट हो जाएगा जिसके अंदर आपको एक श्रेष्ठता कार्यों के परिणाम के तौर पर हासिल होगी। तो थोड़ा एक पट्टी के रूप में अब ब्लू कलर किसी भी मेहनत से भरे हुए कार्यस्थल जहाँ पर फिजिकल और टेक्निकल काम होता है वहाँ पर एक ब्लू पट्टी बहुत अगर लेते हैं तो एक बहुत अच्छी स्थिति दर्शाता है। जहाँ टेक्निकल काम होते हैं, कंप्यूटर और इसे जो तकनीक से ही सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ भी आप अगर ब्लू कलर का ब्राइट ब्लू कलर इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी तकनीकी दक्षता श्रेष्ठता दूसरों पर बढ़त लिए हुए होगी और आप बेहतर परिणाम लेने में सफल होंगे। साथ ही साथ अगर आप कहीं शिक्षा के क्षेत्र में इसको काम में, स्टडी रूम में आप अगर ब्लू कलर को इंजेक्ट करना चाहें तो आप यकीन माने कि टेक्नोलॉजी से जो लोग श्रेष्ठतम हो जाना चाहते हैं वो एक ब्लू कलर का कोई न कोई लाइट और एक इवन कर्टन या कोई टेबल टॉप इस तरह की चीज़ें आप रख सकते हैं। इससे आपके जो एकाग्रता है वो बनाने में आपको मदद मिलेगी, आपको आपका जो टाइमिंग है वो बढ़ जाएगा। अगर आप सिटिंग 4 घंटे दे रहे हैं तो आप 6 घंटे देने लगेंगे और लगातार लौट लौट करके आप अपनी टेबल तक आपको वो कलर खींच के ले आएगा और आप वहाँ पर अपनी एकाग्रता के साथ एक श्रेष्ठ परिणाम देने में सफल होंगे। श्रेष्ठ परिणाम अलग चीज़ है, लेकिन
कम से कम कंसिस्टेंसी तो आपकी बनेगी ही बनेगी, आप लगातार जूझने की जो आपकी क्षमता है वो उसमें वृद्धि होगी। आप अगर ब्लू कलर को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखना चाहें तो यहां ब्लू कलर को केवल तब आप काम में ले सकते हैं, केवल उन स्थितियों में काम में ले सकते हैं जब आप किसी एक स्थिति में लगातार काफी देर रहना है और किसी एक एक्सरसाइज फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो कभी इस रंग का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको अपने जो उनके पेशेंट होते हैं वो श्रम से जुड़ा, अगर जितना वो उसमें काम करेंगे, अपनी अपने आप को लगाएंगे, अपने आप को कोशिश करेंगे, उतना ही जल्दी वो ठीक होने की तरफ बढ़ेंगे। तो कहीं आप उस तरह की इक्विपमेंट्स में ब्लू कलर यूज़ कर सकते हैं जब आप फिजियोथेरेपी यूज़ कर रहे हो अपने इलाज के लिए, अदरवाइज ब्लू कलर का कम इस्तेमाल स्वास्थ्य सेवाओं में किया जाने की आवश्यकता रहती है। अपने बेडरूम में तो बिल्कुल भी जितना कम हो सके आप ब्लू कलर का इस्तेमाल करें उतना बढ़िया, क्योंकि ये धीरे 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 एनर्जी आपकी कम कर सकता है, आपके संबंधों के अंदर से एनर्जी को कहीं सोख ना ले, इसकी बड़ी एक वो रहती है। पर लोग तब इसका इस्तेमाल करते हैं जब वो अपने साथी से ब्लैक और ब्लू का मिला जुले का, जब वो अपने साथी से कुछ छिपाना चाहते हो, तो अगर ये आपकी मंशा है तो फिर बात अलग है, अन्यथा बेडरूम में कम और निराश की तरफ भी ले जाता है। कभी हम बेडरूम में ब्लैक कलर को ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं तो कोई एक अपने ही में ही सिमट जाता है और थोड़ा सा ज़्यादा निराश हो सकता है साथी, तो इसलिए हमें इसका उपयोग बेडरूम में कम से कम किया जाना चाहिए। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्यवान।